तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम भाई फिर से एक न्यू ट्रेडिंग एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाले हैं और जिस ट्रेडिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका आपको मैं रिव्यू करके देने वाला हूं, उस एप्लीकेशन का नाम है भारत ट्रेड एप्लीकेशन। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको भारत ट्रेड एप्लीकेशन से रिलेटेड भारत ट्रेड 7 एप्लीकेशन, भारत ट्रेड ऑप्शन एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अगर आप भारत ट्रेड एप्लीकेशन रिलेटेड नाम से शुरू आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन। हम बात करेंगे एप्लीकेशन की क्या रियलिटी, एप्लीकेशन को यूज करना है या नहीं करना है, भाई एप्लीकेशन के अंदर जो विड्रॉल डिपॉजिट की जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनका हमारे पास सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। अभी देखेंगे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लगभग इसके 5000 के डाउनलोड्स हुए हैं, 4.3 की स्टार रेटिंग और 35 के आसपास रिव्यू आ चुके हैं। कई लोगों ने इसको बेड रिव्यू दिए है, कई ने यहाँ पर बेस्ट रिव्यू दिए हैं, यहाँ पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से दिए। बट अब मैं यहाँ पर जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँगा कि भाई एप्लीकेशन को यूज करना है या नहीं करना है, इसके क्या रियलिटी है। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई मैं कभी भी यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन के यहाँ पर जो रिव्यू पर कभी नहीं जाता हूँ, भले लोगों ने कुछ भी बोला हो। अब यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, कई लोग यहाँ पर फ्रॉड एप्लीकेशन बोलते हैं, कई बोल रहे हैं नॉट रिसीव मनी गेट या आई डोंट यूज, यहाँ पर बोल रहे हैं, बट हमारा एक्सपीरियंस से बात करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करें ताकि आप लोगों से यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना पाए। एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं भाई, अगर आप वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाने वाले हैं। तो भाई कर लेते हैं हम यहां पर एप्लीकेशन को ओपन, हम यहां पर जो है कर लेते हैं भाई। जैसे हम यहां पर जो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। जैसे इंटरफेस हमारे सामने आता है तो भाई अभी यहाँ पर देखेंगे रियल अकाउंट के अंदर 10 रुपये का मुझे यहाँ पर साइन अप बोनस मिला हुआ है, डेमो अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, सीख सके। और जो हमें यहाँ पर जो चार्ट देखने के लिए मिलता है, जो भाई ग्राफ हमें देखने के लिए मिलता है, ये ग्राफ मैं हमेशा कहता हूँ कोई ईजी काम नहीं होता, इसे समझना काफ़ी टाइम यहाँ पर हमें लगता है। दूसरी बात, इसके अंदर हमारा माइंड सेट भी तो काम करता है कि भाई ग्राफ अप जाएगा या डाउन जाएगा, वो भी हमारा माइंड सेट के हिसाब से काम करता है। तो अगर मैं बात करूँ तो भाई इसे समझना इतना ईजी भी नहीं होता है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं तो भाई इन्वेस्टमेंट यहां पर जो है 10 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर करेंसीज के बारे में बात करूं तो भाई करेंसीज आपको यहां पर दी गई है कम से कम 10-12 करेंसीज है, जिनके अगर प्रॉफिटेबल की बात करूं तो केवल प्रॉफिटेबल एसेट के तौर पर आपको टू करेंसीज आपको देखने के लिए मिलती है, बाकी कोई प्रॉफिटेबल करेंसीज नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जो 100 रुपये लगाते हैं कम से कम आपको 60 रुपये रिटर्न मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकता है। बाकी अगर आप यहाँ पर 100 रुपीज़ लगाते हैं, 80 रुपीज़ आपको रिटर्न के तौर पर वापस मिल रहा है प्रॉफिटेबल तौर पर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई एप्लीकेशन के अंदर जो एसेट है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है। 75 है तो भी हम बार के लिए मान सकते हैं कि यहाँ प्रॉफिटेबल दिया गया, बट बाकी के जो नीचे के वो प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर अगर मैं कंप्लीटली बताऊं तो हमें यहाँ पर जो मैंने इन सभी एसेट को ही प्रॉफिटेबल नहीं मानता हूँ। क्योंकि मान लीजिए कि दोनों करेंसीज के अंदर जो प्रॉफिटेबल दी गई, इन्हीं के अंदर करेंसीज के अंदर मान लीजिए यहाँ पर फ्लो आ जाए, यहाँ पर जो है अप और डाउन के अंदर काफ़ी तेज़ी से हो जाए, तो कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। हमारा जो नीचे के एसेट लगाएंगे उन एसेट के अंदर आप अपना पैसा रिकवर वापस नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें यहाँ पर पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और वहीं पर भी चांस रह सकते हैं कि हमें ज़्यादा लॉस हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पर एसेट को प्रॉफिटेबल नहीं मानता, बेक आ जाता हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँ, मैं अपने तरीके से बात करूँ कि भाई मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर क्या लग रहा है या क्या नहीं लग रहा है। कई लोग ऐसा ना बोल दे कि तुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता है, बाकी आप अपना अपना यहाँ पर देख लेना, बट अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, मुझे यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं है। तो डील्स की अगर मैं बात करूँ, रियल डेमो अकाउंट के अंदर आपने कितना ट्रेड किया, कितना लॉस किया, सारी डिटेल आपको मिल जाती है, हिस्ट्री होती है एक तरह से। माय अकाउंट पर मैं आ जाता हूँ, माय अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो आप डिपॉजिट, भाई आप डिपॉजिट 100 रुपये से कर सकते हैं, UPI पेटीएम के थ्रू आप किसी से कर सकते हैं। डेली चेकिंग की अगर मैं बात करूं तो डेली चेकिंग आपको मिल जाता है, डेली चेकिंग के तौर पर 10 दिन तक आपको, सॉरी यहाँ पर 7 दिनों तक यहाँ पर आपको डेली का बोनस मिलता है, 2 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये तक, इस 7 दिनों तक। इसके अलावा बाद में आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉफिट या अगर मैं बात करूँ डेली बोनस नहीं मिलता है। विड्रॉल के बारे में बात करूँ तो भाई विड्रॉल आप यहाँ पर जो मिनिमम मैक्सिमम 200 रुपये रखा गया, 1 टाइम आप विड्रॉल कर सकते हैं, बट आप इस विड्रॉल को बढ़ा भी सकते हैं। आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, एक ऑप्शन आ रहा है कि योर करंट लेवल जो है फर्स्ट लेवल बता रहा है। अब इस फर्स्ट लेवल का सीन आपको यहाँ पर जो मैं अभी यहाँ पर ही समझा देने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पर समझ लेना है। अब यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं, यहाँ पर आपको नीचे की ओर एक ऑप्शन मिल जाता है भाई, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो है लेवल स्टेटस का ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है। इस लेवल स्टेटस की अगर मैं बारे में बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है कि आप मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल, एक दिन के अंदर कितना विड्रॉल कर सकते हैं, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, एक दिन के अंदर आप डिपॉजिट
जो अमाउंट कितना लगा सकते हैं, वो सारे का सारा जो लेवल के अंदर होता है आपका अपग्रेड हो जाता है। वो होता कैसे, जब आप रियल अकाउंट के अंदर ट्रेड करते हैं तो जैसे आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो आपका डेली का जो विड्रॉ लिमिट है, सारे का सारे जो ऑप्शन होते हैं वो आपको उसके थ्रू आपको VIP राइट्स मिल जाते हैं जब आप रियल अकाउंट के अंदर रेगुलर ट्रेड करते हैं। तो चाहे वो 20 ट्रेड करें, 30 ट्रेड करें, वो सारी सारी जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि फर्स्ट लेवल के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना है विड्रॉल का, 200 रुपये दिया गया है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक दिन के अंदर एक विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सेकेंड लेवल के अंदर आएंगे तो एक दिन के अंदर एक विड्रॉल कर सकते हैं, बट मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट आपका 500 कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर थ्री टाइम के अंदर, थ्री लेवल्स के अंदर आएंगे तो विड्रॉल का जो टाइम होगा 2 टाइम कर दिया जाएगा, मैक्सिमम आपका सिंगल विड्रॉल अमाउंट होगा वो 800 रुपये कर दिया जाएगा और सिंगल ट्रांजेक्शन अमाउंट आपका 2000 कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह से आपका यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा दिया जाए। दूसरा, डिपॉजिट अमाउंट 1500 कर सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर 100 कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि लेवल स्टेटस आपका बढ़ा दिया जाता है, बट हम यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप लोगों की विड्रॉल एंड प्रॉब्लम, जो आपकी डिपॉजिट एंड विड्रॉल की प्रॉब्लम वो यहाँ पर जो है सोल्व होने वाली है। बाकी ऑप्शन को छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप चेकआउट कर लेना, बट यहाँ पर जो मेरा काम है उसके बारे में बात करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है भाई कस्टमर सपोर्ट का एंड कंप्लेन का ऑप्शन। देखिए, कई लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि भाई आप हमें बता दीजिए कि इस एप्लीकेशन के जो कस्टमर सपोर्ट नंबर क्या होते हैं या इनसे बात करने के लिए नंबर क्या होते हैं। तो इनसे बात करने के लिए कोई नंबर नहीं होता, डायरेक्टली आपको जब कस्टमर सपोर्ट के अंदर जाएंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप काम कीजिए तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। कस्टमर सपोर्ट ऑप्शन पर आपको जाना होगा। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर जाते हैं तो भाई आपको ईमेल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, डायरेक्टली ईमेल का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। इन्होंने पहले बता दिया है कि आपको एक दिन तक आप अगर रिप्लाई करते हैं, आप मैसेज करते हैं तो एक दिन बिजनेस डे के बाद आपको यहाँ पर रिप्लाई मिल जाता है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपने यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको फिल करना होगा, आपको मेंशन करना होगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है विड्रॉल की या डिपॉजिट की, उससे आप मेंशन कर देना। मेंशन आप जैसे ही करते हैं तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर जाना होगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपका डायरेक्टली ईमेल ओपन हो जाएगा। ईमेल ओपन होने के बाद वहाँ पर एक फाइल का ऑप्शन आपको मिलता है, वहाँ पर फाइल पर जाने के बाद आपको स्क्रीनशॉट को शेयर करना है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन रहेगा कौन सा स्क्रीनशॉट, तो मान लीजिए एक चीज़ करते हैं कि आप यहाँ पर विड्रॉल कर रहे हैं, विड्रॉल आप जैसे ही करते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको ये वेट नहीं करना है कि मेरा विड्रॉल जो पेंडिंग में रहेगा या नहीं आएगा तब मैं जो स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ या कस्टमर सपोर्ट से बात करने वाला हूँ, वो चीज़ें बाद की बात है। जैसे आप विड्रॉल करते हैं तो विड्रॉल करते ही आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपका विड्रॉल आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लग रहेगा आपका। अगर विड्रॉल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पेंडिंग के अंदर आपका विड्रॉल है, तो यही तरीका आपको अपनाना है। कस्टमर सपोर्ट में आना है, इनसे अपनी प्रॉब्लम मेंशन करनी है, सबमिट वाले पर क्लिक करना है। सबमिट वाले पर क्लिक करने के बाद आप जब ईमेल के अंदर आ जाएंगे तो वहाँ पर फाइल का ऑप्शन होगा। फाइल के ऑप्शन से आपको जो स्क्रीनशॉट ले रखा है अपने विड्रॉल प्रॉब्लम का, वो आपको यहाँ पर शेयर करना होगा। एक दिन के अंदर जैसे इनका रिप्लाई आता है तो आपकी 100% चांस रहेंगे कि आपका जो विड्रॉल की प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व हो जाए। अगर आपको इस तरीके से नहीं होता है तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर जो है कंप्लेन का ऑप्शन आपको नीचे दिया गया, इस पर आप जाइए। इस पर जाने के बाद आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल के दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, विड्रॉल पर प्रॉब्लम आ रही है, तो विड्रॉल वाले पर आपको यहाँ पर जो क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट द ऑर्डर यू वेंट टू कंप्लेंट अबाउट। यहाँ पर क्या होगा कि आप सेलेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो विड्रॉल किया है, जो विड्रॉल आपका पेंडिंग के अंदर है, वो विड्रॉल की हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखा दी जाएगी। यहाँ पर जिस विड्रॉल के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है या सभी विड्रॉल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए अभी आपने विड्रॉल किया या इससे पहले आपने विड्रॉल किया, तो दो विड्रॉल आपने लगाए, दोनों में से आ गए, लेकिन थर्ड विड्रॉल आपने लगाया वो अगर नहीं आया तो वहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा और आपको वापस बैक आ जाना है या ऑटोमेटिक आप बैक आ जाएंगे। तो यहाँ पर उसके बाद अपनी यहाँ पर क्वेश्चन एंड द डिवाइस आप एडवाइस आपको यहाँ पर देना होगा। आपके यहाँ पर प्रॉब्लम बता देनी है, इंटर योर क्वेश्चन एंड द एडवाइस आपको देनी होगी। तो आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ आपको बतानी है। नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर डालना होगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर पैसा निकलवाना है तो अपना यहाँ पर ये सब करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर डालेंगे, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे अगर व्हाट्सएप से इनसे बात होती है तो व्हाट्सएप पर आपको इनको डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करना होगा। क्योंकि जब एक चीज़ ये मत समझना कि भाई अगर हमें विड्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है, डिपॉजिट की प्रॉब्लम आ रही है, हम डायरेक्टली कस्टमर सपोर्ट से बात करेंगे और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ये गलती बिल्कुल ना करना। क्योंकि अगर ऐसी आप गलती करेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगता हो भले ही कि हमारा डाटा नहीं है, क्योंकि अगर जब आप कस्टमर सपोर्ट से बात करें तो उन्हें पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो आपसे रियलिटी के अंदर जानना चाहते हैं कि आप ही खुद ब खुद बताएं कि
कि प्रॉब्लम है क्या। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया, तो आपका अकाउंट तक यहाँ पर जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो सकती है। इसके चांस रहते हैं कई बार कई एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखिए जब आप कस्टमर सपोर्ट से बात करते हैं, तो ताकि आपकी प्रॉब्लम हो कहीं ना कहीं जल्दी सोल्व हो जाए, ये चांस रहते हैं। बाकी देखिए स्क्रीनशॉट तो मैं इसलिए बोलता हूँ, कई इंपॉर्टेंट्स आजकल हो जाते हैं स्क्रीनशॉट के, क्योंकि आप यहाँ पर कई नई एप्लीकेशन ऐसे आ रही है जिनके अंदर आपको स्क्रीनशॉट का डायरेक्टली ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर वो आप शेयर नहीं करते हैं तो आपकी विड्रॉल एंड डिपॉजिट प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है। तो अब यहाँ पर फिलहाल मैं बैक आ जाता हूँ, जो मैंने आपको तरीका बताया वाई वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपको यहाँ पर जो है विड्रॉल या डिपॉजिट निकलवाने के लिए, आपकी डिपॉजिट एंड विड्रॉल प्रॉब्लम सोल्व के लिए। बाकी तो अगर आप मेरी बात मानते हैं तो भाई इससे बेस्ट तरीका नहीं मिलता है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। अगर मैं ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ भाई यूज करना है या नहीं करना है, तो भाई एप्लीकेशन आप लोगों को जो है मैं यहाँ पर जो रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई एप्लीकेशन तो मैं इसलिए रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर कोई बेटर ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए तो मुझे बिल्कुल नहीं मिला है कि भाई एप्लीकेशन को हमें यूज करना चाहिए, या ऐसे इंडिकेटर सिग्नल का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है, या जो कैंडल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, अन्य यहाँ पर जो ऑप्शन देखने, ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिलता है, कोई ऐसा फीचर नहीं होता है यहाँ पर। बाकी तो आप लोगों की मर्जी है। बाकी अगर मैं कहूँ तो भाई एप्लीकेशन बिल्कुल यूज ना करना, मैं एप्लीकेशन आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।